जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे सामने है दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी लास्ट डेट जाने वाली है जो कि 13th of November है, और आप देख सकते हैं कब ओपन हुआ था, 14 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर आप देख भी पा रहे होंगे कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस के लिए, कैसे कैसे प्रोसीजर है। और मैं इसका इस पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड करी है दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप भी जाके रीड कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़, मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीज़न, जो भी इंडियन सिटीज़न है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और ये सी ग्रुप की जॉब है, और इसका जो लेवल है वो लेवल 4th है पे मैट्रिक्स का, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है, प्लस यूजली और एडमिसेबल अलाउंस भी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट है 554, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे 182 है फीमेल्स के लिए, 372 है मेल्स के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 140। बाकी आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे पे मैट्रिक्स आपको दिख भी रहा होगा। और फिर बताता हूँ, 10% जो है इसमें से रिजर्व्ड है एक्स सर्विस मैन के लिए, 3% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD के लिए है। ठीक है, इसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और इसका डायरेक्ट लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पे मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि आप देख रहे हैं नंबर 2 पे, 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और अप्लाई कैसे करना है लिंक यहाँ पे भी दे रखा है, और आप मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट है आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी तो नॉर्मली 100 रुपये है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए यूजली जो है फ्री रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहली चीज़ ये है कि फ़ी आपने एक बार भर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी आपको। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल की एज लिमिट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, 10 10+2, यानी कि 12वीं पास होने चाहिए आप किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा इसमें प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है, जो कि जैसे कि आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट में आप देख सकते हैं मेल के लिए जो है वो 1600 मीटर की रेस है, जो कि 7 मिनट में करनी है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट में जो है वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन है, जो कि SC ST कैटेगरी के लिए होता है, और अदर जो कि आप देख पा रहे हो गढ़वाल, गोरखा, डोगराज, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट यूटीज ऑफ सिक्किम, इनके लिए 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इस चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है वही SC ST OBC के लिए, सॉरी OBC के लिए नहीं है, चेस्ट जो होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, जो कि रेजिडेंट्स ऑफ हिल्स एरिया फॉर विच सर्टिफिकेट एज अबव हिल एरिया सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए, इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, और ST कैंडिडेट्स के लिए है, सन्स ऑफ द आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके लिए जो है छूट है। इसके अलावा आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर है, SC ST के लिए डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली, और रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज फॉर विच सर्टिफिकेट वही सेम है। इसके अलावा
मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, पर्सनल मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है द कैंडिडेट शुड बी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, और उनकी आँख का विजन विद और चश्मा लगा के और बिना चश्मे के 6x12 होने चाहिए। और चलिए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन फॉर स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए लिस्ट ऑफ, आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, गेम्स फॉर विच एज रिलैक्सेशन इज अवेलेबल। ये सारी गेम्स हैं जो भी ये 6 गेम्स 6 18 और 5 23 गेम्स है, इसके अंडर जो है जिसने खेला है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उनको जो है छूट मिलेगी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मेथड रहेगा? रिक्रूटमेंट का मेथड जो यहाँ पे दे रखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, जो कि फिजिकल जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आप वैसे ही डिसक्वालीफाई हो जाओगे। टाइपिंग टेस्ट भी है इसके अंदर जो कि कंप्यूटर पे 25 मार्क्स का रहेगा, और ये भी एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो टोटल 125 मार्क्स का जो है आपका टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो आएंगे, आप देख लीजिए कैसे कैसे 100 नंबर के क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें से किस में से कितना कितना आएगा। जनरल अवेयरनेस में से 20 नंबर का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस में से 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होगी 25 नंबर का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में से 10 नंबर का आएगा जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजिंग है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें किस किस से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स ये दे रखी है पूरी की पूरी यहाँ पे। उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर आपके कैसे कैसे होने चाहिए, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रखा है कैसे कैसे और पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स ये क्या है, तो ट्रेनिंग सेलेक्ट फॉर द पोस्ट विल अपॉइंट, चलिए। और एक चीज़ और, ये जो SC ST सर्टिफिकेट का यहाँ पे दिखा रखा है, SC ST सर्टिफिकेट जो है आपका अनेक्शन सी में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए तभी वो वैलिड मानेंगे। अगर नहीं है तो आप उसका फॉर्मेट चेंज करा के और सही कराएंगे तभी जो है वो मान्य रहेगा। बाकी आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। मैंने इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट चेक करने का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो चेक कीजिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म आपको कैसे भरना है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, वो चेक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, सो डैट मैं नेक्स्ट फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।